वरदान दे दू, मेरी व्यवस्था करो, मेरी व्यवस्था करो। संत ने कहा कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। क्या? वो जो औरंगाबाद के बाहर आउट पे एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है ना, उसको एक थाली भोजन दे देना, तेरी सात पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। एक थाली भोजन में? बोले हाँ। कब जाऊं? अभी चला जा, इसे सोच क्यों रहा है। संत दूसरे दिन सुबह उठा, 10 बज रहे हैं, जल्दी भेजाते हैं, पैदल चलाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा है ना, कचनेर जाएगा, फिर वहां घूमेगा, अपन जल्दी शॉर्टकट में पहुंचाते हैं। एक थाली भोजन की उठाई उसने, चला गया बुढ़िया की झोपड़ी में, सोने की थाली 56 भोग। जैसे ही पहुंचा बुढ़िया की कुटिया में, एक 8 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही थी। संत ने, सेठ ने कहा बेटा अम्मा को बुलाओ। बोले आप कौन हैं? अरे मैं कौन हूं? नगर सेठ, औरंगाबाद का सबसे धनपति मैं ही हूं। तो बालिका ने ऊपर से नीचे तक देखा, नगर सेठ? बोले हाँ। बोले बैठ जाओ, वहीं कच्चा पत्थर पड़ा था, बोले इस पे बैठ जाओ। बोले इस पे बैठ जाओ, मैं तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठता। बोले यहाँ कुर्सी मुर्सी नहीं मिलने वाली, शांति से बैठ जाओ। बोले बेटा जाओ अम्मा को बोलो कि नगर सेठ आए हैं, कुछ देना चाहते हैं। देना चाहते हैं? बोले हाँ, जाओ अम्मा को बुलाओ। अम्मा क्या कर रही है? बालिका ने कहा 8 साल की बच्ची ने कि मेरी अम्मा भगवान का भजन कर रही है। भगवान का भजन कर रही झोपड़ी में रह के? बोले हाँ, जाओ बोलो नगर सेठ आए हैं। बोले सेठ जी क्षमा करना, मेरी अम्मा ने कहा कि नगर सेठ तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी भी आ जाए ना, तो मेरी अम्मा भगवान के भजन से उठा नहीं करती है, वह भगवान का भजन कर रही है। जिसको मेरी अम्मा से मिलना है उसको इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार। सेठ बोला मेरे घर में अच्छे अच्छे इंतजार करते हैं। बोली बच्ची कह रही इंतजार करो, अहंकार को चोट पहुंच रही है, ध्यान रखना, अकड़ को चोट पहुंच रही है। बच्ची ने कहा ठहरो प्लीज, वेट तो करना पड़ेगा। बोले बेटा कितनी देर तेरी अम्मा पूजा करेगी? बोले मेरी अम्मा घड़ी देख करके पूजा नहीं किया करती है, जब तक भगवान में मन लगेगा वह भगवान का भजन करते रहेगी। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, सेठ ने कहा अब तो सब्र से बाहर हो गया, मुझे दुकान जाना है, दुकान नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, इस संत ने बहुत बुरी जगह फंसा दिया। 2 घंटे हो गए, सेठ ने कहा बेटा प्लीज अम्मा को मेरा संदेश। बोले देखो सेठ जी बोल दिया ना, तुमको नहीं देना तो नहीं दो, जाओ वापिस, मेरी अम्मा भगवान का भजन नहीं। कभी कभी तो सेठ जी 2-2 दिन भजन करती है। अरे सेठ ने कहा मर गया मैं तो यहां आकर, 2 दिन क्या मैं भूखा बैठा रहूंगा यहां पर। सेठ तो सेठ था, उसने कहा बेटा एक काम करो, अब मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हारी अम्मा जल्दी आए, ये 1 थाली भोजन है ये अम्मा को दे देना। बच्ची ने कहा भोजन? बोले हाँ। बोले सेठ जी हमें भोजन नहीं चाहिए। भोजन नहीं चाहिए? हमारे यहां भोजन आ चुका है। कौन दे गया? बोले एक ब्राह्मण हमारे यहां भोजन। बेटा क्या दिया है? बोले केले के पत्ते में दही और चावल दे करके। अरे पागल फेंक उसको, देख सोने की थाली में 56 भोग लेकर आया, आज तेरी किस्मत खुल गई, आज तेरा भाग्य जाग गया, सोने की थाली भी मैं तुझे ही दे दूंगा, ये 56 भोग भी दे दूंगा। वो वाला भोजन एक तरफ रख, ये वाला भोजन पकड़। बालिका ने कहा कि सेठ जी क्षमा करना, मेरी अम्मा ने कहा है कि एक बार भोजन आ जाए तो दोबारा हम किसी का भोजन नहीं लिया करते हैं। सेठ को बड़ी चोट पहुंची, सोने की थाली ठुकरा रही है, 56 भोग ठुकरा रही है। बोले हमें नहीं चाहिए, भोजन वापिस ले जाओ। सेठ जी 2 घंटे से क्यों इंतजार कर रहे हो? एक केस तो पहले ही निपट गया होता, पहले ही कहते भोजन देना है तो मैं आपको कह देती कि जाओ हमको भोजन की जरूरत। बोले एक काम कर बेटा, आज का आ गया ना इसको रख ले, कल काम आएगा, पकवान है ये खराब नहीं होंगे, कल काम आएगा। उस बच्ची ने ऊपर से नीचे तक सेठ को देखा और कहा सेठ जी हम कल की चिंता नहीं किया करते हैं। सेठ ने कहा कल की चिंता नहीं करते?
बेटा कल किसी ने तुझे भोजन नहीं दिया तो? बोले मेरी अम्मा ने सिखाया है, हम कल की चिंता नहीं करते। अरे जो चोंच देता है वो दाना भी देता है, और जो प्यास देता है वो पानी भी दिया करता है। हम जोड़ जोड़ करके नहीं रखा करते हैं, हम कल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा करते हैं। जिसने प्यास दी वो पानी देगा, और जिसने भूख दी वो दाना देगा। बोले नहीं दिया तो? उस बालिका ने कहा, सेठ जी देखो वो पेड़ पर चिड़िया बैठी है ना, दिन भर दाना चुगती है, और शाम को जब घोंसले में लौटती है ना, तो कल के लिए एक दाना भी चोंच में लेकर के नहीं आया करती है। जबकि उसे कल की जिंदगी भी जीना है, लेकिन वो चिड़िया एक दाना घर में लेकर नहीं आती है। वह रात विश्राम करती है, सुबह फिर भोजन की तलाश में चली जाया करती है। तो बताओ सेठ जी, क्या हमारी जिंदगी उस चिड़िया से भी बदतर जिंदगी हुआ करती है? मेरी माँ ने कहा है, कल की परवाह नहीं किया करते। सेठ ठिठक गया, हाथ में थाली रखी है, हाथ कांप रहे हैं, थाली छूट जाया करती है। सेठ कहता है, ये 8 साल की बच्ची कह रही कि हम कल की चिंता नहीं करते, और मैं 80 साल का सोच रहा हूं कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। हकीकत में संत मैं हूँ, समझदार मैं हूँ, या 8 साल की बच्ची समझदार है? मान्यवर, सेठ की हाथ से थाली गिरी। सेठ ने कहा, धत तेरे की, 2 महीने मैंने बर्बाद कर दिए फालतू की चिंता में। अरे जिंदगी तो ये हुआ करती है, ध्यान रखना। ये छोटी सी बच्ची कहती है, मैं कल की कोई परवाह नहीं है, कल कभी नहीं आया करता है, किस चीज के लिए आदमी भाग रहा है। सेठ का चिंतन बदल गया, और सेठ ने कहा, इतनी अच्छी जिंदगी मैंने फालतू की चिंता में बर्बाद की। एक बात याद रखना, चिंता और चिता में एक बिंदी का अंतर होता है। चिंता के ऊपर बिंदी रखो तो चिंता हो जाया करता है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, इस प्रवचन को सुन करके थोड़ी सी बिंदी मिटा दो, अरे चिंता छोड़ो और चिंता मणि का ध्यान करो, जीवन तुम्हारा सार्थक। किस बात की परवाह? कल की परवाह। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर में। कल तुम रहोगे इस दुनिया में? याद करेगा कोई तुम्हें? हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होगा, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। ध्यान रखना, जो दुनिया से चले गए उनका पता ठिकाना है तुम्हारे पास? जो तुम्हारे पूर्वज चले गए, कोई एड्रेस दे करके गए हैं? कोई फोन नंबर दे करके गए हैं? कोई व्हाट्सएप नंबर दिया है उनने कि वहां से हमको मैसेज करना? ध्यान रखना, दुनिया से जाने वाले जहां जाने चले जाते हैं कहां, ध्यान रखना। कितने चले गए? तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। किस पर अकड़ा फिरता है आप? अरे माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। और बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं।
किस पर अकड़ता है आदमी, किस नाम, किस ख्याति, किस पूजा, किस चिंता में जी रहे हो? चिंता छोड़ो, चिंतन करो, जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। और आज जो गुरुद्वारा से सिख समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, मैं कह सकता हूँ सारी दुनिया भगवान के समर्पण की बात करती है, एक सिख धर्म ऐसा है जो गुरु के समर्पण की बात करता है। गुरु के लिए कैसे समर्पित होकर के जिया जाता है, गुरु के लिए कैसे बलिदान और कुर्बान होते हैं। कभी वक्त मिला तो तुमसे फिर बात करेंगे, कभी समय मिला तो ध्यान रखिए, जीवन को बहुत समझदारी से जियो। यही कहूँगा कि एक बूंद पानी से प्यास बुझाओ, समंदर की हवस लेकर के मत जिए अपनी जिंदगी में। सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय महावीर। भगवान महावीर की गाथा सुन रहे थे। गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, अंतरनाद के माध्यम से, अनहद नाद के माध्यम से, इतना ही कह सकता हूँ कि वो भी क्या इंसान है, वो भी क्या इंसान है जिसके अंतस में प्रीत नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसके भीतर संगीत नहीं। इंसान की तो बात छोड़ो, हमने तो, कौन कहता है कि पत्थरों के अंदर पीर नहीं होती, कौन कहता है कि पत्थरों के अंदर पीर नहीं होती, हमने तो चट्टानों से झरनों को निकलते देखा है। मान्यवर, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, और आज जो हो रहा है वह भी जरूरी है, हमारा आना भी जरूरी था, इनका सुनाना भी जरूरी था और तुम्हारा सुनना भी जरूरी था। मेरे जीवन का यह पहला अनुभव है इस तरह का आयोजन। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज इस चातुर्मास में क्या नया होगा। मैंने कहा क्या नया होगा, बोले यहां तो हर साल चातुर्मास होते हैं, इस बार क्या नया होगा। मैंने कहा किस नए की बात करते हो, शादियां तो हर साल होती हैं फिर भी शादियों में जाते हो, बताओ क्या नया होता है। वही दुल्हन, वही दूल्हा, वही माला, वही बैंड, वही नाचना, वही गाना। खाना तो रोज बनता है, उसमें क्या नया होता है। वही भोजन, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, वही चटनी, वही पानी, हर जगह मिलता है, नया क्या होता है। बोले फिर भी कुछ तो नया होगा। मैंने कहा दुनिया में कुछ भी नया नहीं होता है, सब वही वही होता है। कल भी तुम ऐसे ही थे, आज भी तुम ऐसे ही हो, कल भी तुम वैसे ही रहोगे। एक बात ध्यान रखना, नासिक में भी ऐसे ही था स्वर्णा जी, काला जी, ऐसे ही था, यहाँ भी ऐसे ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नया क्या होता है। भोजन रोज रोज वही होता है, केवल स्वाद नया होता है। और चतुर्मास हर साल यहाँ होते हैं पर स्वाद नया होता है, उसकी अनुभूति नई होती है, उसका मजा नया होता है। रामायण सदियों से सुनते आए हैं लोग, सबको कहानी मालूम है, लेकिन फिर भी राम की रामायण हर बार सुनने को मन करता है, उसका अंदाज अलग होता है। मन कभी तृप्त नहीं होता भगवान की लीलाओं से। अभी मैं सुन रहा था, कौन नहीं जानता महावीर क्या थे, किसे नहीं मालूम महावीर कौन थे, सबको मालूम है ना।
एक बात याद रखना, एक चुटकुला एक बार सुनाओ, दो बार सुनाओ, तीसरी बार बुरा लगने लगता है, हंसी आना बंद हो जाती है। कहाँ गया वो चुटकुला सम्राट? रात को भैयावृत्ति में लोग मेरे पैरों की सेवा करते हैं, ये मेरे मन की सेवा करता, कुछ ना कुछ सुनाते ही रहता है। एक चुटकुले को एक बार सुनाओ बहुत अच्छा लगेगा, दो बार सुनाओ थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरी बार सुनाओ अब बोर लगेगा, चौथी बार और बोर, पांचवी बार तो कहेंगे बैठ जा, रोज रोज वही कहने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, हंसी नहीं आती, आनंद नहीं आता है, ध्यान रखना, विचार करना। एक कहानी रोज रोज सुनाओ आनंद नहीं आया करता है, एक बात चार बार बोलो तो आनंद नहीं आता है, लेकिन क्या वजह है? मेरे महावीर की कहानी हजार बार बोलो आनंद चौगुना होते जाता है, दस गुना होते जाता है, हजार गुना होते जाता है। रामायण हजार बार पढ़ो तो भी अच्छी लगती है, महावीर का गुणगान लाखों बार पढ़ो तो भी आनंद को प्रदान किया करता है। और क्या वजह है? मैं भी वही प्रवचन करता हूँ और साधु आए वो भी प्रवचन करते हैं। आप देख लो, सुबह से टीवी खोल करके बैठ जाओ आस्था चैनल, एक साथ 100-125 साधु अपना प्रवचन देते मिल जाएंगे आपको, ध्यान रखना। पारस चैनल खोल लो, जिनवाणी खोल लो, साधुओं की भरमार लगी हुई है, ध्यान रखना, इतने प्रवचन इतने प्रवचन। लेकिन क्या बात है, वक्ता बदलता है, बात वही होती है, मैं भी वही कहूँगा, मेरे से पूर्वज हुए संत हैं वो भी वही कहा करते हैं, लेकिन ये हमारी प्रवचन शैली का प्रभाव नहीं होता है, ये महावीर के चरित्र का प्रभाव है। इसे जितना सुनो आनंद बढ़ते चला जाता है, आदमी इससे अतृप्त नहीं हुआ करता है। कौन नहीं जानता है कि महावीर क्या थे, महावीर कैसे थे, लेकिन उनकी कथा इतनी लुभावनी होती है कि दिनों दिन उसकी रंगत चढ़ते चली जाती है जीवन में। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसा ही कुछ अंदाज यहाँ पर लग रहा था। आपकी भोजन का समय है इसलिए मैं भी चुप रहा कि अपने को तो खाना पीना नहीं है, इनको तो खाना पीना है, क्योंकि मैं तो जीने के लिए खाता हूँ और आप आगे का प्रवचन आपको याद है, ध्यान रखिए आपको तो खाने के लिए जीना है। एक बार ये हुआ, एक आदमी किसी पार्टी में चला गया, मुल्ला नसरुद्दीन, बेटे को समझा के गया कि कल पार्टी में चलना है बेटा, आज थोड़ा भूखा रह लेना, घर में तो रोज बना करता है। ले गया पार्टी में, जैसे ही पार्टी में गया क्या देखता है, बड़े बड़े पकवान बने हुए हैं। मुल्ला के बेटे ने कहा कि यार आज क्या खाना है।